और अब एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। उत्तराखंड में कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने से जहां एक और पार्टी को करारा झटका लगा है, तो वहीं प्रत्याशियों की सूची अब भी कांग्रेस ने जारी नहीं की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उस लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग ना के बराबर। रुद्रप्रयाग से बीजेपी से 5 बार विधायक रहे माथवर सिंह कंडारी टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। कंडारी ने कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई। चुनाव 15 फरवरी को है, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही उत्तराखंड क्रांति दल भी 2017 के मिशन में पूरी तरह से जुट गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने पूरे शहर में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस ने लगातार चेकिंग कर रही है। इस दौरान बाहरी जिलों के नंबर वाली गाड़ियों पर खास नजर रखी गई। आगामी 15 फरवरी को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए गठित स्टैटिक सर्विलांस टीम काशीपुर में मंडी तिहारी पर चेकिंग के दौरान लाखों रुपए बरामद किए। चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जारी है। आज 3 दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आगरा से बीजेपी के नेता केशव पंडित कांग्रेस में शामिल हुए, शहनवाज राणा एसपी से और चांदपुर से शेरबाज पठानकोट कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यूपी में महागठबंधन की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। आरएलडी ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। महागठबंधन पर जारी खींचतान के बीच अखिलेश भी मंथन में जुटे हैं। इस बीच फिलहाल अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। मुलायम ने फिर अखिलेश को आंखें दिखाई हैं। अपनी सूची के उम्मीदवारों को बगावत की खुली छूट दी। उन्होंने कहा, टिकट नहीं मिलता तो उम्मीदवार निर्दलीय उतरे, मैं करूंगा चुनाव प्रचार। बनारस के एक अधिवक्ता ने राहुल गांधी को उनके कुर्ते के फटे जेब सिलवाने के लिए 100 रुपए की नकदी डाक से भेजी है। बता दें आपको कि ऋषिकेश में जनसभा के दौरान उन्होंने अपने कुर्ते की फटी जेब दिखाई थी। बीएसपी से निकाले गए केहर सिंह को पार्टी टिकट मिलने के बाद बरेली बीजेपी में बगावत का दौर जारी है। इसके विरोध में जिला महामंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार के साले वीरेंद्र सिंह वीरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अयोध्या शहर की गलियों और सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने पैदल मार्च किया है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और जवानों की बूटों की थाप के जरिए शहर के मतदाताओं को निर्भीक होकर के मतदान करने की प्रेरणा दी। चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर पुलिस लाइन में जिलाधिकारी ने सभी चौकीदारों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि चौकीदारों को गांव के चप्पे चप्पे की जानकारी रहती है। मीटिंग में गोरखपुर की डीएम डॉक्टर संध्या तिवारी, एसएसपी रामलाल वर्मा के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने उम्मीदवार घोषित करते ही पार्टी के समर्थक ही विरोध में उतर आए हैं। मुरादनगर से समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए अजीत पाल त्यागी का टिकट घोषित किया गया है।